प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना पर छूट भरिया कर्मचारी पलीता लगाने में दिल से जुटे हैं। इनकी करतूत के चलते पात्र और गरीब हितग्राही योजना से वंचित हो रहे हैं। इस मामले में यह तो साफ कर दिया है कि आला अधिकारियों की लापरवाही का यह छोटा सा नमूना है। ऐसे अनेक गरीब पात्र लोग हैं जो योजनाओं को लाभ लेने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल रहा। यह मामला छिंदवाड़ा जिले के पांडुर्ना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रांझना का है, जहां से भोला श्रीलाल धुर्वे का परिवार जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा पैदल पहुंचा है। अंदाज लगा सकते हैं कि जिस परिवार के पास जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को शिकायत करने के लिए किराए के पैसे तक नहीं, उस परिवार को पंचायत ने यह कहकर लाभ देने से मना कर दिया कि धुर्वे के परिवार को पूर्व में इंदिरा आवास योजना का लाभ मिल चुका है। चिंतनीय बात तो यह है कि ग्राम पंचायत के जिम्मेदार नुमाइंदों ने अधिकारियों को भी घुमाने का ठेका ले रखा है। जब पीड़ित परिवार ने सीएम हेल्पलाइन में इसकी शिकायत की तो अधिकारियों ने इसका निवारण करते हुए उक्त शिकायत को नस्ती कर दिया कि आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना 2021 की सूची में इनका नाम नहीं है, इसलिए योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। जबकि पीड़ित भोला धुर्वे बताते हैं कि उक्त सूची में उनका नाम 10 नंबर पर है। वहीं पंचायत के अनुसार इंदिरा आवास योजना का लाभ मिलने की बात झूठी है। पीड़ित बताता है कि उन्हें आज तक कोई भी लाभ नहीं मिला है। अंदाज लगाने वाली बात यह है कि विकासशील देश में एक परिवार अपने बच्चों सहित 100 किलोमीटर पैदल जिला मुख्यालय पहुँचता है और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की तख्ती हाथ में लिए जिलाधिकारी के मुख्य द्वार पर खड़ा रहता है कि साहब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिला दो। अब देखना यह है कि इस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है या नहीं, और अगर मिलता है तो फिर जो इस परिवार को भटका रहे उन पर क्या कार्रवाई होती है या नहीं, यह अब समय बताएगा। सर मैं 4 हफ्ते हो गया आ रही हूँ, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आई है, तो मेरा मकान 2011 की सूची में 10 नंबर में आया था। 17, 26, 26, 3 PMID जो आती है सूची में उसमें नाम बिल्कुल सही है। तो जैसे हमें मालूम हुआ कि हमारा मकान आया है प्रधानमंत्री योजना वाला, तो हम ग्राम राजना में गए सचिव रोजगार सहायक सचिव के साथ और सरपंच से मिले, तो वो बोल रहा है कि तुझे इंदिरा आवास का लाभ दे चुका है, तो दोबारा लाभ के लिए तू बार बार क्यों आती है, और जबकि मैं झोपड़े में रहती हूँ और मेरा मकान कच्चा च है और मुझे लाभ नहीं मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे लाभ दिया जाए और इसकी जांच की जाए, और जिसने भी जो भी किया है उससे पूछे और उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए कि उसने ऐसा क्यों किया। वो अपने घर से नहीं दे रहा है ना, सरकार दे रही है मुझे, हमारे लिए 1 लाख भी बहुत काफ़ी है, उनके लिए नहीं है पर हमारे लिए काफ़ी है। BCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शक्रावार की रिपोर्ट।